राजस्थान में तो कल से माहौल ही अलग बना हुआ है। राजस्थान में भी मध्य प्रदेश की तरह कई नाम चर्चा में है, लेकिन इन नामों पर चर्चा के लिए के बीच ही जयपुर में वसुंधरा राजे सिंधिया ने विधायकों की मीटिंग शुरू कर दी। सोमवार शाम को कई विधायकों को वसुंधरा ने डिनर पर बुलाया। आज भी कई विधायकों के साथ वसुंधरा राजे ने जयपुर में मीटिंग की। यानी वसुंधरा राजे भी एक मैसेजिंग दे रही है कि भाई देखो मुझसे लोग मिलने आ रहे हैं, विधायक मेरे साथ हैं। ये पॉलिटिक्स में मैसेजिंग का बड़ा रोल है। जैसे अभी वो ग्राफिक्स का पन्ना खाली रह गया, पॉलिटिक्स में आप स्पेस खाली नहीं रख सकते, वहां तो चलिए ह्यूमन एरर है, लेकिन पॉलिटिक्स में एरर की गुंजाइश नहीं है, आपको वहां तुरंत जगह भरनी पड़ती है। तो वसुंधरा राजे ने भी वो जगह भरने का प्रयास किया। वसुंधरा की ये मीटिंग तब हो रही है जब राजस्थान के लिए महंत बालकनाथ योगी की खूब चर्चा हो रही है। महंत बालकनाथ योगी इस वक्त दिल्ली में है, वो सांसद भी हैं और इस वक्त विधानसभा चुनाव भी लड़ रहे थे और राजस्थान की तिजारा सीट से करीब 6000 वोट से जीते। बालकनाथ योगी को लेकर कल हंसी मजाक में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने संसद के बाहर कह दिया था कि ये राजस्थान के सीएम बनने जा रहे हैं, तो उनके नाम की चर्चा भी बहुत है। आप तस्वीरों में देखिए, योगी उनका प्रचार करने गए थे, हर जगह बाबा बालकनाथ मुख्यमंत्री होंगे क्या, ये सवाल पूछा जा रहा है। एक बार कल संसद के बाहर क्या हुआ था वो आपको याद दिलाता हूं, फिर आगे बताता हूं इनके नाम पे क्या चर्चा चली। नया सीएम बन रहे हैं ना सर, सीएम बनते ही पहला काम क्या करेंगे? अरे भाई राजस्थान के सीएम बनते हैं। नया सीएम बन रहे हैं ना सर, सीएम बनते ही पहला काम क्या करेंगे? अरे भाई राजस्थान के सीएम बनते हैं। बाबा बालकनाथ कुछ बोलना नहीं चाह रहे, लेकिन भाई दूसरे लोग कह रहे हैं और इससे वसुंधरा राजे का कैंप टेंशन में होगा, इसलिए कल से लगातार मीटिंग पे मीटिंग चल रही है। कई विधायक वसुंधरा के पक्ष में माहौल बना रहे हैं। जैसे मालवीय नगर के विधायक कालीचरण सराफा का दावा, उन्होंने दावा किया कि वसुंधरा राजे से अब तक 70 विधायक मिल चुके हैं। विधायक गोपीचंद मीणा ने कहा कि विधायक और जनता वसुंधरा राजे को सीएम के तौर पर देखना चाहती। विधायक सुरेश रावत ने कह दिया कि वसुंधरा ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन आला कमान चाहेगा कि वही जो आला कमान चाहेगा वही बनेगा, वो पार्टी के साथ है। मतलब अपने लिए अपने थोड़े बोलेंगे कि मैं बनना चाहती हूं, माहौल बनवाना पड़ता है तो दूसरे लोग बोल रहे हैं कि पब्लिक चाहती है। विधायक बहादुर सिंह कोहली ने कहा कि वसुंधरा राजे को सीएम बनना चाहिए। एक बार थोड़ा विधायक क्या कह रहे हैं वो सुनिए, फिर आपको इसकी इंटरनल पॉलिटिक्स समझाता हूं। जो जनता की मांग है वो वसुंधरा जी है, वसुंधरा जी को सीएम बनाना चाहिए। आप लोग मजबूत करने के लिए आए हैं? बिल्कुल मजबूत करने के लिए आए हैं। 115 में से कितने लोग हैं वसुंधरा जी के साथ? सब वसुंधरा जी के ही हैं। हालांकि नरेंद्र मोदी ऐसे प्रेशर पॉलिटिक्स में फंसते नहीं, उनको पता है कि ऐसा नहीं कि मैं वसुंधरा को नहीं बनाऊंगा तो 2024 में मुझे राजस्थान में कोई नुकसान हो। नरेंद्र मोदी के नाम पे जब वोट पड़ना है तो कोई वसुंधरा राजे या कोई चौहान, शिवराज सिंह चौहान या कोई दूसरा नेता जो है वो रास्ता खोद देगा, ऐसा नहीं होता है। ना तो बीजेपी का कल्चर है, ना नरेंद्र मोदी को विपक्ष नहीं रोक पा रहा, अपने लोग कैसे रोक देंगे। कई विधायकों ने वसुंधरा से मुलाकात की तो कई विधायक बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी से मिले। इनमें कई विधायक ऐसे हैं जो वसुंधरा से भी मिलाए और प्रदेश अध्यक्ष से भी मिलाए। वैसे तो चुनाव जीतने के बाद विधायकों का मिलना जुलना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन जब सीएम पद को लेकर इतना सस्पेंस बना हुआ है तो फिर विधायकों के मिलने जुलने को लेकर बड़ी नजर रहती है और इनके कई मायने निकाले जाते हैं। लेकिन ये बात सबको पता है कि जो हाईकमान तय करेगा वही होगा और हाईकमान से जो नाम निकल कर आएगा उसी पर बात होगी और फिर वही विधायक दल की मीटिंग में दिखेगा। विधायक दल की मीटिंग कब होगी इसका कोई फैसला अभी हुआ नहीं है। राजस्थान के प्रभारी अरुण सिंह का क्या कहना है वो सुनवा देता हूं आपको। जो फैसला ले लेगा पार्लियामेंट्री बोर्ड फैसला ले लेगा वही सबको मान्य होता है। विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम चुनाव जीते हैं, जो केंद्रीय नेतृत्व फैसला लेगा पार्लियामेंट्री बोर्ड वही सभी को मान्य। अब वसुंधरा राजे शक्ति प्रदर्शन एक तरह से कर रही हैं तो बीजेपी प्रभारी ने साफ कह दिया कि केंद्रीय नेतृत्व का फैसला सबको मान्य होगा। इसके बाद वसुंधरा राजे के समर्थक विधायकों के सुर भी बदल गए। राजस्थान में बीजेपी विधायक गोपीचंद मीणा ने वसुंधरा राजे से मुलाकात की तो कहा कि वसुंधरा राजे को नेतृत्व मिलना चाहिए। आज जब प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी से मिलकर निकले तो कहे कि केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, उनका सुर ही बदल गया। सुनिए कैसे पलटी मार दिए। सरकार बनेगी उसमें हम सब सहमत हैं, मैं मैडम भी सहमत है, हम सब सहमत हैं। मैडम के नेतृत्व में हम पहले भी वो हमारी नेता रही है, भविष्य में भी हमारी नेता रहेगी, ये हमें विश्वास है। संगठन सर्वप्रिय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ है। मोदी जी और संगठन सर्वप्रिय है,
कल मुलाकात की थी वसुंधरा राजे जी से आपने, तो जी इसके भी मायने निकाले। वो हमारी लोकप्रिय नेता है और पूर्व मुख्यमंत्री रही है, आदरणीय सम्मान्य नेता है, तो शिष्टाचार भेंट की उनसे। 24 घंटे भी नहीं चला वसुंधरा राजे के लिए समर्थन। लेकिन बीजेपी में एक बात तो क्लियर है कि कोई कितना भी शक्ति प्रदर्शन करे, जो केंद्रीय नेतृत्व फैसला करेगा वही माना जाता है। जहां तक वसुंधरा राजे का सवाल है, उनके पक्ष में यह बात जाती है कि वसुंधरा राजे दो बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, मतलब उनको सरकार चलाने का अनुभव है। वसुंधरा राजे राजस्थान की लोकप्रिय नेता भी रही हैं, पुरानी नेता हैं, संगठन और कार्यकर्ताओं के बीच उनकी पकड़ है। कई विधायक भी वसुंधरा के पक्ष में खुलकर बोल रहे हैं। लेकिन वसुंधरा के खिलाफ जो बातें जा सकती हैं वो ये हैं कि वसुंधरा राजे को पर्याप्त मौके मिल चुके हैं। भाई ये बात है कि उनको मौके तो पर्याप्त मिल चुके हैं। दूसरी बात कि केंद्रीय नेतृत्व से टकराव होने की बातें होती रही हैं। इसका ग्राफिक्स भी चलाइए। तो केंद्रीय नेतृत्व से टकराव होने की बातें होती रही हैं। 2018 का इलेक्शन वसुंधरा के फेस पर हारे थे तो ये उनके खिलाफ जा रहा है। 2023 में वसुंधरा को फेस नहीं रखा तो जीत गए थे। बीजेपी के पास विकल्प की कोई कमी भी नहीं है और वसुंधरा के आगे नए नेतृत्व की तलाश भी करनी है। अगर वसुंधरा को बीजेपी ने मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो फिर सीएम कौन हो सकता है? विकल्प के तौर पर कौन से नाम है वो भी आपको बता देता हूं। एक नाम दिया कुमारी का भी चल रहा है, तो जरा उनको देखिए भाई, वो मजबूत राजपूत चेहरा है, बड़े मार्जिन से चुनाव जीता है उन्होंने। बाबा बालकनाथ फायर ब्रांड ओबीसी चेहरा है, ओबीसी चेहरा है, योगी आदित्यनाथ की तरह नाथ संप्रदाय से आते हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत एक विकल्प है जो संघ से जुड़े हुए हैं और केंद्रीय मंत्री भी हैं। ओम बिड़ला लोकसभा के स्पीकर, साफ छवि है, पीएम के करीबी माने जाते हैं, उनका नाम भी चल रहा है। इसके अलावा किरोड़ी लाल मीणा पार्टी का शेड्यूल ट्राइब का चेहरा है और धरना प्रदर्शन करने वाले नेता हैं। ओम माथुर वरिष्ठ नेता हैं, गुजरात और यूपी के प्रभारी थे, दोनों राज्यों में जीत मिली। अर्जुन राम मेघवाल दो बार से सांसद हैं और पार्टी का बड़ा एससी चेहरा है। अश्वनी वैष्णव केंद्रीय मंत्री हैं, राजस्थान से संबंध रखते हैं, ब्यूरोक्रेसी का अनुभव भी है। तो तमाम नाम है, तमाम विकल्प हैं जो बीजेपी के पास मौजूद है। इसी तरह से छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी के पास कई विकल्प हैं। रमन सिंह के अलावा और कौन कौन दावेदार हैं उसकी लिस्ट आपको छत्तीसगढ़ वाली बता देता हूं। छत्तीसगढ़ में एक नाम अरुण साव का चल रहा है, प्रदेश अध्यक्ष है, साहू समाज के बड़े नेता है। फिर एक नाम विष्णु देव साय का चल रहा है, आदिवासी समाज से आते हैं, रमन सिंह के करीबी हैं। ओपी चौधरी केंद्रीय नेतृत्व के करीबी हैं, अमित शाह ने बड़ा आदमी बनाने की बात कही थी। रेणुका सिंह का नाम चल रहा है, आदिवासी समाज से आती हैं, संगठन में काम करने का अनुभव है। लता उसेंडी बीजेपी का बड़ा आदिवासी चेहरा है, बीजेपी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। तो जिस तरह से आदिवासी समाज बीजेपी के साथ आया है उसमें अगर आदिवासी मुख्यमंत्री बन जाए छत्तीसगढ़ में तो उस पर भी हैरानी नहीं होनी चाहिए।